अरविंद जी आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है, स्वाभाविक है। आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा, और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं, और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए, मैं मानता हूँ आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और जैसे अभी अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने दो निकाल दिए हैं, एक तो शिवसेना के बारे में है और दूसरा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के विषय में। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं उनका होना चाहिए। और आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है, उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटवतू अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं।